गोरखपुर के वर्तमान सांसद और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता श्री रवि किशन जी अभी हाल ही के दिनों में गोरखपुर के किसी सिनेमा हॉल में विवादास्पद फिल्म आदि पुरुष को देखने पहुंचे। इस फिल्म के देखने के दौरान ही कुछ मीडियाकर्मी वहां पहुंच गए, जिसके चलते इस फिल्म को छोड़कर उन्हें बीच में ही बाहर आना पड़ा और आकर के उन्होंने मीडिया वालों के सवाल का जवाब दिया कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। उनका जवाब क्या था पहले आप ये सुन लीजिए। आज आप एक फिल्म देखी है सनातन धर्म से जुड़ी, क्या है फिल्म? मैं समस्त भारत से, समस्त हिंदू समाज से, जो 100 करोड़ की आबादी है पूरे भारत में और विश्व में, कृपया ये फिल्म जरूर देखें। मैं अभी ये फिल्म देख रहा था, क्योंकि मीडिया बाइट देना था तो मैं बाहर आया हूँ। सुबह 9 बजे का शो गोरखपुर, मेरे संसदीय क्षेत्र, पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का क्षेत्र, गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पर ये फिल्म शुरू हुई है। मैं और मेरे पूरे कार्यकर्तागण, हम सभी लोग आए हैं। मैं चाहूँगा कि समस्त परिवार जरूर अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता को, अपनी दादी दादा को लेके, सब लोग मोहल्ला समूह गांव समाज बिल्डिंग सोसाइटी मिलकर सब लोग जाएं, एक साथ टिकट खरीदें ऐसी फिल्म। मुझे ये मीडिया से बात करना था तो मुझे बाहर आना पड़ा। ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज के प्रोड्यूसर हैं उनको मैं देता हूँ, और सारे कलाकार। ग्राफिक इसका बहुत शानदार था। हमारे देखिए पीढ़ियों का, हमारी सनातनी संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे, हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पाश्चात्य कल्चर में चले गए हैं ज़्यादातर अंग्रेज मानसिकता के साथ, जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था इतिहास में, हमारे इतिहास को जानना, हमारी पीढ़ियों को, ये फिल्म सभी को देखना चाहिए, सारे राम भक्तों को। मैं एक राम भक्त, मैं एक शिव भक्त, सबसे निवेदन करता हूँ कृपया आप लोग अपने परिवार के साथ ये राम कथा जरूर देखें। और हनुमान जी भी बगल में बैठे थे आज, चूंकि जैसा कि हमारी मान्यता है हिंदुओं की कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी विराजते हैं, वहाँ वो बैठते हैं, तो आज ये मैं प्रोड्यूसर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोचा समस्त भारत में एक सीट हनुमान जी की भी रखे, तो यहाँ पर केडी मॉल है, उन्होंने भी ये व्यवस्था की थी बहुत अच्छे से। और आज बहुत पूरे मेरे मीडिया कर्मी ने भी फिल्म देखी साथ में, बहुत शानदार फिल्म और बहुत जानदार फिल्म, और प्रभु राम के रूप में प्रभास बहुत अच्छे लगे हैं, सैफ अली रावण के रूप में एक कलाकार के रूप में अच्छे लगे हैं, तो मैं उन सीता जी के रूप में उन्होंने भी का जो कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। तो ऑन द होल मैं चाहूँगा कि अपनी राम कथा, अपना रामायण, प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है जो जनवरी में या उसके आला इसी 2024 के पहले पूरे भारत को उसके दर्शन द्वार पाठ खोल दिए जाएंगे। ये फिल्म आई है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी विचारधारा के होने के नाते। अभी अभी रवि किशन जी का बयान सुना आपने। एक तरफ जहाँ इस फिल्म को लेकर के पूरा हिंदुस्तान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, देश के सारे हिंदुओं को यह लग रहा है कि श्री राम जी की, प्रभु हनुमान जी की, इन सब की छवि जो है बहुत गलत तरीके से इस फिल्म में पेश की गई है। यहाँ तक कि फिल्म के पटकथा लेखक और निर्माता निर्देशक सभी लोग इस फिल्म को लेकर के बैकफुट पर आ गए हैं। इस फिल्म का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। इस भारी विरोध के बीच में रवि किशन जी का ऐसा मक्खन लगाने वाला बयान, जैसे कि ये इस फिल्म का पेड प्रमोशन कर रहे हों, ऐसा बयान इन्होंने दिया है। और साथ ही ये हमारे देश की पूरी जनता से, 100 करोड़ हिंदुओं से ये अपील कर रहे हैं कि सारे लोग जा कर के अपने बाल बच्चों के साथ इस फिल्म को देखें और दिखाएं, ताकि हमारे सनातन का नाम ऊंचा हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि रवि किशन जी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए आदमी हैं, उन्हें तो आम जनता से ज़्यादा फिल्मों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तरफ जहाँ इस फिल्म में दिए गए डायलॉग को कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ घूमने चला आया, इस तरह के घटिया वल्गर डायलॉग भगवान से बुलवाए गए हों, हनुमान जी से और रावण के जो गार्ड हैं उन लोगों से, तो क्या लगता है कि हमारी जो पीढ़ी है रवि किशन की इस अपील पर अगर सिनेमा हॉल में जाएगी तो वहाँ जा कर के क्या सीखेगी? सांसद महोदय जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें तो इस फिल्म की बुराइयों को जागरूक करना चाहिए था,
पर मुझे लगता है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े होने के कारण इनके फिल्म के जो निर्माता हैं भूषण कुमार या निर्देशक वगैरह जो भी हैं लेखक, इनसे इनके पुराने ताल्लुकात रहे हैं और साथ में इनकी फैन, ये क्या बोलते हैं, फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है रवि किशन जी की। तो इनको, हमें लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इन्हें अच्छे खासे पैसे ऑफर किए गए होंगे फिल्म के निर्माता निर्देशक की तरफ से कि आप जो है इस फिल्म के इन्फ्लुएंसर बन जाइए और इस फिल्म को प्रमोट करिए। आप इनको बयान को सुनेंगे, रवि किशन जी के बयान को, तो आपको ऐसा फील होगा कि इन्होंने पेड प्रमोशन किया है इस पिक्चर का, जैसे कि कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ का प्रमोशन करता है, मोबाइल हो या और भी कुछ हो, उसी तरह से इन्होंने पैसे लेकर के इस फिल्म का प्रमोशन किया है। इन्होंने इस फिल्म की एक भी बुराई की बात नहीं की, इस फिल्म में तो पूरी बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई हैं और जिसका कि अब तक भारी विरोध हो रहा है और लोग अब इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश के विचारों के विपरीत रवि किशन जी इस फिल्म को लोगों से देखने की अपील कर रहे हैं। आप इनके बयान से महसूस कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर इन्हें कुछ एक करोड़ रुपया टी सीरीज कंपनी की तरफ से मिले हुए हैं, जिनके चलते इन्होंने ये मक्खन लगाने वाला, यानी कि ये फिल्म की बटरिंग कर रहे हैं, यानी कि देश की जनता को बरगला रहे हैं कि जा करके इस फिल्म को देखे, जबकि इस फिल्म को पूरे देश में जो है भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि रवि किशन जी के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि वीडियो रवि किशन जी तक पहुँचे और उनको ये पता चले कि हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मनोज मुंतशिर की तरह, एक तरफ से ये देखें तो मनोज मुंतशिर और ओम राउत का बचाव कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनके कहे हुए बातों में आ जाए। देश की जनता के पास अपना भी दिमाग है और देश की जनता अपने सनातन संस्कृति और रामायण के बारे में पहले से बेहतर जानती है। इसलिए रवि किशन जी के इस बयान के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।